दिस इज 2022 Lamborghini Urus जो कि बहुत रीसेंट है. एक दिन वी आर गोना गेट दिस Urus इन इंडिया गाइस. ये लेकिन ये भी क्यूट सा ही लग रहा है. बाबू भैया ना बहुत जल्दी कर रहे हैं. मैं ना सुबह 10 बजे तक एडिट कर रहा था बिकॉज एक ब्रांड देना था गाइज और बहुत सारे काम थे मर्च और वेबसाइट से रिलेटेड. फिलहाल अभी बैकग्राउंड में आपने एक सिट्टी की आवाज सुन रहे होंगे क्योंकि इकरा ने बना दिया दिन का खाना. इस लड़के का काम बस खाना बनाना और मेरे को खाना खिलाना है. यहाँ चेक करो इतने बड़े बड़े पराठे लेकर के आ गई. अली भाई ने भी हमारे घर एक डेरा डाल रखा है. हम तीनों लोग अब एक ही अपार्टमेंट में शिफ्ट हो चुके हैं. सुबह अली भाई, शाम को अली भाई, दिन में अली भाई. मैं तो हुई गाइस यहाँ पर. फिलहाल अभी हम लोग जस्ट नाश्ता कर रहे हैं. और अली भाई आज का क्या प्लान है? अली भाई ये बताओ पहले आज का क्या प्लान. आज का प्लान है अपने कुछ चार गाड़ी. गाइज मैं आपको बता देता हूँ आज हम लोग देखने जा रहे हैं सुपर कार्स बिकॉज बहुत टाइम से हम लोग प्लान कर रहे थे. नाउ इट इज द फाइनल टाइम टू रेंडर आउट द कार्स. कौन कौन सी कार देखने जा रहे हैं अली भाई हम लोग? McLaren. पापा तो कुछ नहीं कहते. मम्मी पापा पापा मम्मी को भी दुबई ला रहे हैं हम. दो घंटे पड़ेंगे ना उनको. क्या पड़ेंगे? डंडे. एक तो है McLaren, दूसरी है फरारी, तीसरी है जी वैगन और चौथी है रेंज रोवर SVR. पांचवी ये लड़की ना गाइस बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो गई है. मैं बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं मेरी जीवन में बहुत ज्यादा वो हो चुके हैं. कुछ शॉपिंग के लिए जा सकते कुछ नहीं होता है ना. नहीं मैं कौन अली भाई किसका अली कौन अली भाई फेंको नीचे बालकनी. मेरा नाम मोहम्मद अली है. अली तौफीक. अली तौफीक वही मन्नू. गाइस कलम का नाम मन्नू है ना और पापा ने कल से वीडियो कॉल में मन्नू बोल दिया. इतना मजाक बना रखा है ना उस नाम का भाई. क्यों अच्छा नाम नहीं है क्या अन्नू मन्नू? मैं मजाक नहीं उड़ा ये मजाक नहीं है तो क्या है? मुझे अजीब लग रहा है. मैं इसका भी मजाक कर रहा हूं. इकरा का डिकरा. इकरा का डीकरा गाइस. इकरा का डीकरा कमेंट सेक्शन में स्पैम कर दो. आपको अच्छी तरह से पता ही है अल्लाह जी कुरान पाक में कुरान पाक का नाम है. आपको ही गुनाह है मुझे तो नहीं हो रहा. हां और मन्नू क्या मन्नू 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 बोलते हुए दूसरे मेरे भाई का मजाक. मैंने मन्नू टन्नू बोला. हां इन्होंने इकरा दिया. फिलहाल गाइस इकरा ना रूम की सफाई कर रही है बिकॉज इसने इतना रूम इतना गंदा कर रखा होता है ना. नहीं आपने कर रखा होता है. अली भाई हम क्यों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं? अली भाई को फंसाओ. खाना नाश्ता करते नहीं तो जान खा देगी मेरी. करता हूँ गाइस नाश्ता फिर मिलता हूँ आपसे तैयार होकर के. सुपर कार्स देखने चलेंगे गाइस आज हम लोग. तो हम लोग जी फाइनली गाइस हम लोग हो चुके हैं रेडी. अली भाई भी हो चुके हैं रेडी. और आज ना अली भाई और मैं जा रहे हैं बिकॉज इकरा को जाना है सलून. बाय बाय सी अस मिलते हैं. बाय बाय टेक केयर. बाय 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 बाय. फिर वही इतने पंगे ले लेती. अरे छोड़ो चार सुपर कार वेट कर रही है. अपने घर से एंड अभी हम लोग जा रहे हैं जहाँ पर हमारी सुपर कार्स वेट कर रही है. नॉट ओनली दिस गाइस आज मेरे को ना मस्टैंग जीटी के लिए मैंने आपको कहा था कि मैं दुबई से स्पॉइलर और बाकी सारी सीरीज लेके आऊंगा बिकॉज दुबई में ना वो बहुत चीप मिल रहा है मेरे को. इवन कार्बन फाइबर भी बहुत चीप मिल रहा है. इंडिया में सामान बहुत ज्यादा महंगा है. एंड आज अली भाई लेकर के जा रहे हैं हम लोगों को मार्केट. अली भाई कौन से मार्केट जा रहे हैं हम लोग? वी आर गोइंग टू कार्स वर्ल्ड. स्पेशल कार शोरूम है. ओके जो गाड़ी वहाँ खड़ी है इट्स टोटली लाइक वन ऑफ वन. ओके जो ये नॉर्मल दिखती है वैसी है ही नहीं. इट्स लाइक सुपर एक्साइटेड गाइस टू सी द कार. उसके बाद हम लोग कौन से मार्केट जा रहे हैं जो कार का मार्केट है? वी आर गोइंग टू माय रोहिला भैया इन दुबई. मैंने अपनी गाड़ी ना प्रेमनगर छोड़ी हुई है और रोहिला भैया शादी में मस्त घूम रहे भाई. मैं ये भी नहीं बोल सकता रोहिला भैया को जाके स्पैम कर दो लोग उनका फोन हैंग कर देंगे. बट गाड़ी का काम भी चल रहा है. ऑलमोस्ट आधा काम हो चुका है मतलब रैप का. हम लोग इस बारी जो से चेंज करवा रहे हैं वो जो थीम होने वाली है ना वो बहुत भयंकर थीम होने वाली है. फिलहाल अभी हम लोग निकल चुके हैं बाहर गाइस. अपनी कार बाहर पार्क्ड है और दिन में निकल रहे तो दुबई में ना इस टाइम पर थोड़ी सी गर्मी भी होने लग गई है. इट्स रियली टफ. और अभी मिड फरवरी है सोचो हालत ख़राब होने शुरू हो चुके हैं. आने वाले गर्मियों वाले टाइम में क्या ही होगा. ये इतना गर्म नहीं है भाई. ये 29 डिग्रीज नथिंग 50 डिग्री तक जाता है यहाँ पर. हाई साहब दिल्ली वाले हाल यार. लेट्स गो अली भाई. लेट्स गो डू सम नो. सो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं हमारी कार के पास. लुक एट दैट. चेक दिस आउट गाइस. डिफेंडर गाड़ियां पर ये देखने आए. ये ब्लू वाली ये व्हाइट वाली ये पोर्श
क्रेजी सीन मचने वाले, लेट्स गो। सो हेमलो जी, फाइनली गाइस वी आर एट द लोकेशन। मैं आप लोगों को बता रहा था आज हम लोगों को अपनी सुपर कार देखनी थी, एंड गाइस हमारे पास दो तीन ऑप्शन है फॉर टुडे। वी हैव गॉट वन मैक्लेरेन एंड दिस वन इज फरारी, राइट? फरारी कैलिफोर्निया। ओ भाई, ये चेक करें आप। This is so good, right? मैं बहुत excited हूँ guys, इसको चलाने के लिए, इसको देखने के लिए। So I'm really eager, looking forward for it. But the only concern which I feel like, अली भाई इस पे lift kit है, right? हाँ, lift kit है। But अब ये check करो भाई, ये जो हमारी Shelby kit लगी है ना, उससे हल्का सा नीचे। And you already know last time when we were traveling to Jaipur, कितना मुसीबत हुआ था। इसको इसके साथ क्या होने वाला है? देखते हैं अभी। But अभी start करते हैं और बाहर लेकर के जाते हैं। So guys, बाबू भाई अभी start करने वाले McLaren। ये चेक करें आप, ये चेक करें। दिस वन इज द स्टार्ट बटन, राइट? यस। गाइस ये चेक करो, दिस इज कॉल्ड फैब डिजाइन। अभी हमारी सुपर कार निकल रही है बाहर रोड पर। भाई लुक एट दैट, भाई लुक एट दैट। ये चेक कर रहे हो आप भाई साहब? मैं आपको बता देता हूँ, वी वर हेयर फॉर द लैम्बो। मैं आपको बता देता हूँ गाइस, उरस भी अंदर खड़ी है, बट ये तो अलग ही शिट है भाई। यहाँ देखो एंकर। भाई थैंक यू guys, we are finally inside the car. Seat belt? Yes. So guys, finally हम लोग निकल चुके हैं और फील ही अलग है भाई इस कार के अंदर। भाई झटका, क्या पुशबैक आता है यार। जी गाइस, इस कार की फील अलग है। फिलहाल अभी अली भाई चला रहे हैं, सब स्माइल कर रहे देख के हमको। मालिक मेरे को भी मिलेगी ना चलाने को? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। अभी ना एक्चुअली अली भाई चला रहे गाइस, बिकॉज ये बाहर तक निकाल रहे हैं। आपका तो लाइसेंस भी हो गया है। ये नहीं बोलना था। एक्चुअली द थिंग इज गाइस, मैं ना सारी चीजें धीरे धीरे डिस्क्लोज कर रहा हूँ, बिकॉज ये बचता रहेगा। टू उसके अंदर सारे सेंसर्स लगेंगे अली भाई। वो रीसेट करना पड़ता है ना गाड़ी को, जब चलाओगे तब जाके सेट हो जाती है, कैलिब्रेशन में आता है। क्योंकि सुपर कार्स ऐसी है जो लोग वीकेंड्स पे ही निकालते हैं, वो कैलिब्रेशन हट जाता है। सो दैट्स द थिंग, कैलिब्रेट होएगी अभी चलाएंगे जैसे। रेडी? रेडी। कार टर्बो सुन रहे हो? हाँ। और ब्रेक्स भी खतरनाक इसके तो गाइस। दिल हाथ में आ गया भाई, सच्ची में दिल हाथ में आ गया। एक मिनट स्पीड ब्रेकर, इसके बाद रेडी रेडी रेडी। फर्स्ट गियर डाउन शिफ्ट। भाई सेकंड गियर में 100 पे जा रही है। तो गाइस फाइनली बाबू भैया चलाने वाले हैं मैक्लेरेन सुपर स्पोर्ट्स। ये सुपर सुपर स्पोर्ट्स होगी मुझे तो ऐसा लगता है अली भाई। दिस इज द MP4 12C। ओके, सुपर स्पोर्ट कार है ये, न्यूट्रल गाइस। और मैं आपको बता देता हूं मैक्लेरेन खुलती कैसे। ये करा और इसका जो दरवाजा है ना वो चेक करो, पैस के डाल पूरा ऊपर खुलता है भाई, पूरा पूरा ऊपर। तो यार बाबू भैया पहुंच चुके हैं मैक्लेरेन की सीट पर,
आई एम रियली एक्साइटेड टू ड्राइव इट. और ये दुबई में मेरी पहली पहली कार चलाऊंगा ना मैं. सुपर कार. सुपर कार सुपर पहले एक्टर. पहले मेरी ब्लैक वाली एमजी चलाई. पहले ली भाई की ब्लैक वाली एमजी अपनी मेरी अपनी चलाई थी. और अब ये येलो ली भाई. इसका दरवाजा भाई थोड़ा ढक करके बटन दबाया. ठीक है. एंड फील्स लाइक हेवन. फील्स लाइक हेवन. अब नाउ सो अब ये डी में डाल दिया राइट. ऑल द सेम. वो सब कुछ सेम ही है. अभी डी में डाल के पुश डाउन. पुश डाउन. हैंड ब्रेक. हैंड ब्रेक छूट गया राइट. सीट बेल्ट लगा लेते मालिक. यस. और अभी तुम्हें यहाँ फर्स्ट गियर दिखेगा. ओके. दिख रहा है ना. दिख गया. दिख गया. ओके लेट्स गो. अब सीट बेल्ट लगा लो. कौन सा यार. मैंने लगा लिया सीट बेल्ट और अब मैं चलाने वाला हूँ सुपर कार दुबई में. लेट्स गो गाइस. ये लेफ्ट व्हील मतलब मैं चला रहा हूँ तो पता है लेफ्ट व्हील और राइट के फुटपाथ. हाँ सही है. हाँ अब यहाँ से राइट लेना है स्टॉप साइन से. ठीक है. मेरे को बताते रहना गाइड करते रहना ली भाई. यहाँ से राइट फिर सीधा लेफ्ट. इंडिकेटर इज लेफ्ट साइड. किस साइड. डोंट वरी. Not now. This is not main road. Okay. Oh, boy. पहली बारी left wheel drive road पे चला रहा हूँ और इतना मुश्किल नहीं है पता left wheel drive. और ये देखो भाई. This is McLaren heaven. दूसरी सामने आ गई. दूसरी McLaren सामने आ गई भाई. इतना नीचे तो नहीं लगेगी. नहीं नहीं. speed breaker पे. यहाँ के speed breaker safe है. Okay. मतलब नीचे नहीं लगती राइट. नहीं नहीं. लेकिन speed में नहीं लेना चाहिए. संभाल गया सीधा. ठीक है. पावर तो ठीक है. हम इसे ना भी उसमें भी चलाएंगे. रेडी. रेडी. सही है ना ब्रेक. ब्रेक सही. सब कुछ सही भाई. पावर. पावर तो अब चेक करने वाले हम लोग. इसको थोड़ा सा जाने दो. इसको थोड़ा सा जाने दो. एस मोड पे है ना. साहब क्या पावर है लीवाइस पे. टर्बो की आवाज सुन रहे हो. हां भाई. H2 में आता है टर्बो भाई. मैं क्यों बोल रहा था अनु तुमको. मैक्लारेन. रेडी गो. बहुत पावर है यार. बहुत ज्यादा पावर. तो गाइस हम लोगों ने ले लिया टेस्ट राइड एंड नाउ वी आर गोइंग बैक. एक्चुअली हमें एक और कार की टेस्ट राइड लेनी है. सो फटाफट फटाफट चलते हैं वहां पर और वाली कार दिखाते हैं आपको. ये चेक करें. अभी हम लोग बैठे हैं मैंसूरी के अंदर. ऑडी R6. RS6. ऑडी RS6 के अंदर. टॉप ऑफ द लाइन का भी बाप. मेरे को जो सुपर कार की आदत पड़ी है ना अली भाई के कारण पड़ी है. सच्ची में मैं कहां सुपर बाइक वाला बंदा था और अब हर कोई कार को ऐसे लगता है भाई ये ले लो ये ले लो ये ले लो. जैसे हम लोग बाइक खरीदते थे ना. आने वाले अब टाइम है ना गाइस. अब आपको सुपर कार का कॉन्टेंट दिखने वाला है चैनल पे. वो भी एकदम खतरनाक है ना भाई. सुपर कार सिर्फ हर जगह चला सकते हो. बाइक सिर्फ ठंडियों में मजा आती है. भाई क्या एग्जॉस्ट नोट है इसका. क्रेजी राइट. कोल्ड स्टार्ट. तो बॉयज वी वर चेकिंग द अदर कार्स बट सबसे ज्यादा कमेंट जो हमारे चैनल पे आए वो आया है लैम्बोर्गिनी उरुस के लिए. चेक दिस आउट. वी हैव गॉट अ लैम्बोर्गिनी उरुस. ये वाली भी और ये वाली भी. और भाई क्या गाड़ियां इस उरुस में ना. व्हेन यू हैव दैट ऑरेंज पेंट ये खत्म लगती है. उरुस इंडिया में यू विल गेट अराउंड लाइक 5 to 7 crores. एंड अगर मैं आपको आस्किंग प्राइस दिखा देता हूँ यहाँ पर इट्स अराउंड लाइक 1.3 million dirhams जो कि अराउंड पड़ता है 3 crore एट मोस्ट 3 crore. एंड मैं आपको बता देता हूँ गाइस इतना पैसा है कि हम लोग ये इम्पोर्ट आराम से करा सकते हैं. अभी आसिम भाई से मेरी बात हो रही थी. आसिम भाई भी ना बस डॉक्यूमेंटेशन का फाइनल पूछ रहे हैं. हम लोग फाइनल पॉइंट पर है जहाँ पर हम लोग गाड़ी इम्पोर्ट कराने की पूरा प्रोसेस फाइनल आउट कर रहे हैं. वो मुंबई के पोर्ट में पहुंच जाए. मुंबई में पोर्ट पहुंचने के बाद उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हो जाएगी. बस यहाँ से गाड़ी निकल जाए और मुंबई पहुंच जाए. ऐसे नहीं होना चाहिए कि यहाँ से हम लोगों ने पे आउट कर दिया और गाड़ी पहुंची नहीं कस्टम कुस्टम में अटक गई तो वो दिक्कत हो जाएगी. एंड द थिंग इज गाइस वी ऑल्सो चेक लैम्बोर्गिनी उरुस बट द थिंग इज मैं अभी इस गाड़ी को चलाना नहीं चाहता. आप लोगों को पता है बाबू भैया का रिकॉर्ड है. बाबू भैया ने वो गाड़ी उस दिन चलाई है जब वो गाड़ी उन्होंने ले ली है. नहीं तो यार मेरे पास खड़ी है अपने. हम लोग इनके आराम से टेस्ट राइड ले सकते हैं. बट आई रियली वांट टू डू इट जिस दिन ये गाड़ी का डॉक्यूमेंटेशन फाइनल हो जाएगा ना. एंड हमें फाइनल हो जाएगा कि हाँ भाई ये मुंबई इंपोर्ट करवाई जा सकती है. कितने टाइम पीरियड के लिए कराई जा सकती है. एक टाइम पीरियड का भी सीन है गाइस. इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ. दिस इज 2022 लैम्बोर्गिनी उरुस जो कि बहुत रीसेंट है. सही है. तो इनके ना मॉडल इस पर भी डिपेंड करता है कि कितने टाइम पीरियड का कौन सा ईयर मॉडल है एंड क्या डॉक्यूमेंटेशन लग रहा है. बट इंशाल्लाह एक दिन वी आर गोना गेट दिस उरुस इन इंडिया गाइस.
फॉर श्योर। तो हम लोग जी गाइज हम लोग निकल गए थे अपनी कार को देख करके, एंड द थिंग इज गाइज हम लोगों ने उरुस उरुस भी देखी थी, बट अली भाई और मैं ना बहुत स्पेसिफिक करके चल रहे, बिकॉज दुबई से इंडिया में इम्पोर्ट कराना थोड़ा सा मुश्किल वाला काम है, इसीलिए आज हम लोग ना उनसे मिलने चले गए। तो उन्होंने बोला कि शाम तक वो पूरा फाइनल आउट, अली भाई शाम तक फाइनल आउट करके बता रहे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आ रहे हैं। एग्जैक्टली पेपर्स हमारे हाथ पे आ जाएंगे ना, फिर तो कोई मसला नहीं है, कोई से भी गाड़ी इंपोर्ट कराओ। लैम्बोर्गिनी उरस आप लोगों ने देख ली भाई कितनी सस्ती है, भाई कितनी सस्ती। सो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच गए थे जीटी का स्पॉइलर लेने के लिए, एंड हम लोगों ने दो स्पॉइलर फाइनल करे। ये चेक करो, ये पहला वाला स्पॉइलर है अली भाई, लेकिन बहुत छोटा लग रहा है ये, लेकिन ये भी क्यूट सा ही लग रहा है, ये क्यूट तो लग रहा है भाई, तुम्हारी गली में गाड़ी नहीं घुसेगी वो लगा के। सही है, लेकिन ये सही लग रहा है। इज एक्चुअली ना हम लोगों को थोड़ा सा हाइट पे चाहिए, सो हम लोग दोनों का चेक कर, इसको अभी रखो एक सेकंड, यही रखो इसे, आपके पास जो हिंज है ना वो ले आओ, हम इसे चेक कर लेते हैं। एंड जो बेस्ट चीज़ हो गई कि हमारे पास ना ऑलरेडी एक मस्टैंग जीटी अवेलेबल थी, सो हम लोग ना उस पर ये स्पॉइलर लगा के आराम से चेक कर सकते हैं। हम बस यही चेक कर रहे हैं कि इस पर कौन सा स्पॉइलर बेस्ट बैठता है, जो बेस्ट बैठेगा वही फाइनल आउट करा लेंगे। सो गाइस फाइनली वी गॉट ऑल द थिंग्स फॉर द मस्टैंग जीटी। द फर्स्ट थिंग हम लोगों ने ये वाला स्पॉइलर फाइनल करे, एंड हम लोगों ने जो इसके ये वाले हिंज थे ना ये हम लोगों ने इसे चेंज करा लिया, तो अभी हमारे पास ये थोड़े अपलिफ्ट वाले, और अली भाई ये बहुत सही लग रहा है, बहुत सही लग रहा है, क्या सही। एंड गाइस जो दूसरी चीज हम लोगों ने लिया, वो हम लोगों ने लिया है बैक वाला विंडो लूवर, ये जीटी के ना पीछे लगेगा, और इसके बाद जीटी के लुक्स और भी खतरनाक हो जाएंगे। तो मैं जिस चीज के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ वो हमारा स्पॉइलर है गाइस, साथ ही साथ हम लोगों ने दो चीजें और ली, अच्छा बाइसेप्स भी दिखाऊंगा वीडियो में। मेरा बॉडी बन रहा है इसमें। एंड गाइस वी हैव गॉट टू मोर थिंग्स, कार्बन फाइबर का कीचेन, एंड दूसरा मैंने मस्टैंग का एक्सटेंशन वाला कीचेन भी ले लिया था। सो जीटी की मॉडिफिकेशन ऑलमोस्ट हो गई है कंप्लीट, बिकॉज यही दो चीजें थी जो मुझे दुबई से लेनी थी, बाकी सब चीजें उसमें ऑलरेडी अपग्रेडेड, यू नो उसके अंदर ओरिजिनल शेल भी जीटी किट लगी है, प्लस उसमें एग्जॉस्ट भी फुल सिस्टम लगा हुआ है, बाकी उसकी छत मॉडिफाइड है, सब कुछ मॉडिफाइड है, बस स्पॉइलर और लूवर ले लिया। अब इसे पैक करवाते हैं, बिकॉज अभी सबसे बड़ी दिक्कत ना एयरपोर्ट पे होगी, बिकॉज ये सामान ना ओवरवेट होगा, तो मुझे एयरपोर्ट पे भी अराउंड 10-15 हज़ार रुपये फीस पे करना ही करना होगा। पैक करवाते हैं यार। यार ये चेक करें हम लोगों ने स्पॉइलर कैसे घुसाया, पता है आपको, हम लोगों ने अंदर वाली सीट ना फोल्ड कर दी है, ये चेक करो अंदर वाली सीट ना पूरी फोल्ड हो चुकी है, एंड जो लूवर था ना वो भी हम लोगों ने फिट कर दिया, एंड जो स्पॉइलर था वो भी आराम से आ गया, तो अब घर ले जाने की टेंशन तो खत्म हो गया, एयरपोर्ट में भी हम लोग आराम से लेके चले ही जाएंगे। यार यार हम लोग पहुंच चुके थे रूम में, एंड इकरा इज नॉट एट, इकरा गई है सुपरमार्केट कुछ लेने के लिए अपनी दीदी के साथ, मैं भी बस थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ गाइज, और फिर इकरा के आने का वेट करते हैं।